नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। महासमुंद शराब की अवैध बिक्री के आरोप में एक दिन आबकारी विभाग की कस्टडी में रहने के बाद जेल भेजे गए आरोपित की मौत हो गई। जेल प्रशासन का कहना है कि एकाएक कैदी का स्वास्थ्य बिगड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मृतक के स्वजन आरोप लगा रहे हैं कि आबकारी अधिकारियों ने पकड़े जाने के बाद मृतक की रास्ते भर पिटाई की। स्वजनों के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के भी चिन्ह हैं। आबकारी अधिकारी कह रहे हैं कि उसे जेल भेजा गया था। इस विषय में जेल के अधिकारी ही वस्तुस्थिति स्पष्ट करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सरायपाली ग्राम बिछिया निवासी हेमसागर महिला ने 30 वर्ष है। नायब तहसीलदार की उपस्थिति में PM कराया गया है। रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होगी। घटना से नाराज स्वजनों ने मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मियों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने और मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। न्याय नहीं मिलने की स्थिति में स्वजनों ने उग्र आंदोलन करने की बात कही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजनों के साथ सतनामी समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौके पर पहुंचे रहे। स्वजनों ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर ले जाने के अगले दिन 7 जून को उन्हें जिला जेल दाखिल कर दिया गया था। बाद 10 जून की शाम 5 बजे उन्हें उनकी मौत की खबर दी गई। स्वजन देर शाम ही मुख्यालय पहुंचे। शव में चोट के निशान देखकर स्वजन हैरान हैं। मृतक के छोटे भाई नारायण महिलाने का कहना है कि उनके भाई के साथ गांव में हुई मारपीट की वजह से उनकी मौत हुई है। मामले की जांच होनी चाहिए और इससे पूर्व आबकारी विभाग पर जुर्म दर्ज किया जाना चाहिए। उनके साथ हुई मारपीट गाँव के लोगों ने भी देखा है।